दो मरीज कोरोना के पॉजिटिव जो पाए गए थे वह ठीक होकर के घर भेजे गए हैं। नमस्कार, मैं रविकांत, झकास भारत देख रहे होंगे आप लोग। जी हाँ, बिहार में जिस प्रकार से संख्याएं बढ़ रही थी उसमें एक खुशखबरी का संकेत आया है। एक पटना सिटी के हैं और दूसरे मरीज फुलवारी शरीफ के हैं जो NMCH में भर्ती थे। उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, मगर डॉक्टरों के संरक्षण में रख करके उन्हें कोरोना फिर काबू पा लिया गया और उनका ये वायरस ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर भी उन्हें सलाह दिया गया है कि 14 दिनों तक वो घर पे ही बंद रहें ताकि जो भी और बढ़ने की या वापस होने की चांसेस जो ज़्यादा रहते हैं उसमें कमी आए। फिलहाल बिहार में यह संख्या 28 पहुँच गई है। हम और भी देखेंगे कि कल क्या होता है। दिन प्रतिदिन 2-4 मामले पर डे बढ़ रहे हैं। आज भी 4 बढ़े, कल भी 2 बढ़े थे। तो इसी प्रकार से कहीं ना कहीं ये जो कोरोना पॉजिटिव जो मरीज पाए जाते हैं वह ठीक भी हो सकते हैं। और इसका संकेत है कि एक बार और एक महिला 3 दिन 4 दिन पहले ठीक होकर गई थी और एक जो अभी पटना सिटी के मरीज ठीक होकर गए हैं और एक फुलवारी के ठीक होकर गए। मगर डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी है कि 14 दिनों तक आप घर में बंद रहेंगे ताकि इससे निपटने में और भी आसानी हो, फिर दोबारा ना हो। जिस प्रकार से कनिका कपूर को 4-4, 5-5 बार टेस्ट लेने के बाद भी उनका पॉजिटिव पाया गया था, इसलिए डॉक्टर सख्त हिदायत और सलाह देते हैं कि वो बंद रहें ताकि दूसरों को भी नुकसान न पहुंचे और उनको भी नुकसान न पहुंचे। ऐसी बात नहीं कि कोरोना के मरीज कोरोना पॉजिटिव पाते ही उनका मौत हो जाएगा या देहांत हो जाएगा। अगर सही समय पर सही चिकित्सकीय उपचार अगर दिया जाएगा तो वह निश्चित तौर पर पहले की तरह ठीक हो सकते हैं। और अगर डॉक्टर में आने में देरी करेंगे, लोग नुका छिपी का खेल करेंगे, कुछ होते हुए भी उन्हें घर में छुपाने का जो प्रयास किया जा रहा है वह कहीं ना कहीं न केवल वह खुद को धोखा दे रहे हैं, लोगों को भी धोखा दे रहे हैं। छुपने से और यह बढ़ेगा और डॉक्टर इसके संक्रमण को पकड़ने में फिर और ज़्यादा देरी लगेगा और आपको ही कष्ट पहुँचेगा। इसलिए ऐसी कुछ भी जो डॉक्टरों के सलाह जो बता रहे हैं, कई जगहों पे पेपर हो, अखबार हो, टीवी हो, सभी जगहों पर क्या क्या कारण है वो अगर औसा आपको लगता है तो आप नज़दीकी डॉक्टर के यहाँ हेल्पलाइन नंबर सभी जगहों पर दिया गया है, संपर्क कर सकते हैं अपने प्रखंड, अपने जिला और स्वास्थ्य विभाग में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। झकास भारत से मैं रविकांत। और भी कई खबरें देखने के लिए झकास भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।